नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अभिषेक, मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। रोज़ सुबह हम आपके पास नव भारत टाइम्स अखबार में आज क्या छपा है ये बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए आते हैं। आज भी अखबार में क्या कुछ है जानते हैं। पहली खबर तो अभिषेक ये है कि विश्व विजेता मेसी आज सुबह के वाकई में सबसे बड़ी खबर है। आपने मैच अगर देखा होगा, मैंने तो देखा रात में, वो गजब का रोमांचक मैच। मतलब आप कल्पना कीजिए कि 90 मिनट्स में कोई नतीजा नहीं आया, दो दो के बराबरी, फिर जो है 8 मिनट बढ़ाया गया, उसमें एक एक गोल, फिर दोनों ने दाग दिया, फिर कुछ नहीं, फिर जो है 30 मिनट के खेल बढ़ा दिया गया, उसमें कोई नतीजा नहीं, फिर फाइनली पेनल्टी गोल। तो ये अद्भुत मैच था। मैं तो खेल से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, देखता हूँ, लेकिन ऐसा मैच तो छोड़ना नहीं था तो मैंने छोड़ा भी नहीं, और ये गजब का मैच हुआ, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही, जिस तरह का एक वर्ल्ड कप का फाइनल उम्मीद की जाती है कि बहुत ही रोमांचक होगा, वैसा ही हुआ। इससे पहले भी हमने देखा तमाम फाइनल्स ऐसे हुए हैं, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग के, क्योंकि हम लोग क्रिकेट लविंग नेशन है तो हमारे उदाहरण भी क्रिकेट से ही जुड़े हुए रहते हैं, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग के हों या मुझे याद आ रहा था सर 2019 के विश्व कप का फाइनल, हाँ। उसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच फाइनल था, आप लोगों को भी याद आ रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी बिल्कुल सुपर ओवर तक मैच गया और तमाम अप एंड डाउन के बीच इंग्लैंड जीता था। और यहाँ पे फ्रांस ने भी बहुत ही अच्छा खेला, एम्बापे बहुत अच्छा खेले और मेसी, तो मेसी बीइंग मेसी, तो उन एम्बापे ने एक समय को एम्बापे और मेसी के बीच मामला टक्कर का चल रहा था, एम्बापे भी अपनी टीम की ओर से लीड कर रहे थे और मेसी ने तो गोल किया ही था, लेकिन आखिरी बाजी अर्जेंटीना के नाम रही। और इसी के साथ मेसी, पेले और मैराडोना, तो दो महान फुटबॉलर हैं, उनकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दोनों ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया था और अब मेसी ने भी जिताया। हाँ, ये कोई दक्षिण अमेरिकी देश जो है, कोई पहली ऐसी टीम है जो 20 साल के बाद वर्ल्ड कप जीती है फीफा, तो ये है। दूसरी चीज़ मैं सुन रहा था कमेंटेटर्स को, तो वो बता रहे थे कि फ्रांस जो पूरा खेल, क्योंकि मैंने सारे मैच नहीं देखे, तो उसने कहा कि वो जब जब फ्रांस फर्स्ट हाफ में बिल्कुल अर्जेंटीना जब डोमिनेट कर रहा था, तो कमेंटेटर ये कह रहे थे कि फ्रांस कभी भी बहुत अच्छा नहीं खेला किसी भी मैच में, लेकिन ऐन मौके पे वो हर मैच में मोरक्को के खिलाफ भी और भी सब जगह शानदार ऐसे किया, और वही हुआ इस मैच में भी कुर्सी ने किया कि बहुत अच्छा नहीं खेला फर्स्ट हाफ में, वो बहुत ही डोमिनेट मतलब ये रहा, लेकिन लास्ट में वो पाला बदल दिया और फिर जब जब उसकी बारी आई और जब वो खेलने लगा, एम्बापे ने तो गजब किया कि वो तीन मतलब जितने गोल दागे उस पेनल्टी समेत सारे गोल उसके, एक भी गोल मिस नहीं हुए, शानदार एम्बापे ने खेल दिया। और आज सुबह की अपडेट ये है जो सोशल मीडिया पे दिख रहा था कि मेसी ने पहले अनाउंस किया था कि वो इस विश्व कप के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन ट्विटर पर अभी उनका एक ये अनाउंसमेंट दिखा है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू गो रिटायर। एक दूसरी खबर जो शानदार है वो CIA चीफ को लेकर है कि कल उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नज़रिया, उन्होंने जो वो कहा था कि युद्ध, ये युद्ध का समय नहीं है, तो उनका आकलन है, अमेरिका का ये आकलन है, CIA चीफ का आकलन है कि PM मोदी के इस वक्तव्य से, इस एक बयान से लगता है कि रूस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और पुतिन के नेतृत्व में रूस ने कभी अगर सोची भी थी कि हाँ न्यूक्लियर का इस्तेमाल करें यूक्रेन के खिलाफ, तो वो सहम गए। और थोड़ा सा उसमें यह भी कहा गया कि चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, उन्होंने भी थोड़ा नेगेटिव बातें की थी कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए, मतलब PM मोदी के समर्थन में ही। तो ये चीज़ दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में भारत का वैश्विक स्तर पर दबदबा बढ़ रहा है, उनकी अब भारत की बातें सुनी जा रही हैं, एक सक्षम नेतृत्व है, तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमारी बातों को सुन रहा है, हमारे संदेशों को समझ रहा है। ये खबर है, मुंगेर से शिफ्ट हो गई अवैध हथियारों के कारीगरों की कारीगरी। दिल्ली NCR में जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, इधर बीच काफ़ी ज़्यादा लगातार क्राइम से जुड़ी खबरें आ रही हैं। श्रद्धा वालकर मर्डर केस, ये तो ऐसा मर्डर केस हो गया जो लगातार सुर्खियों में रहा, नेशनल मीडिया में रहा, लेकिन तमाम लगातार एक के बाद एक, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे पर लाश मिलने का केस रहा हो, ऐसे छोटे छोटे तमाम क्राइम के मामले आ रहे हैं, अपराध के मामले आ रहे हैं जो नेशनल मीडिया में नहीं आ रहे, लेकिन असल में ये बहुत गंभीर मसला है।
और इसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वो है अवैध हथियार। अवैध हथियारों पर ही आज नवभारत टाइम्स में विशाल शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट है मुंगेर से। उन्होंने बताया कि किस तरह अवैध हथियारों का पूरा एक कारोबार चल रहा है, कहां कहां तक ये पहुंचा हुआ है, शहरों में, राजधानी में, छोटे छोटे इलाकों में अवैध हथियार पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरे पन्ने पर है, ड्राइविंग सीख रहे शख्स ने आग ताप रहे 3 बच्चों पर चढ़ाई कार। ये गुलाबी बाग में दिल्ली में हादसा हुआ है। एक खबर, ये गैंगरेप और रेप की खबरें लगभग हर दिन आती हैं, बहुत दुखदाई होती हैं। युवती से चलती कार में गैंगरेप, सुनसान जगह धक्का देकर भागे, ये भी नई दिल्ली की खबर है। हाँ, ये फिर पॉल्यूशन को लेकर खबरें। अभी हम लोग बहुत अच्छी था इधर से कि AQI लेवल घट रहा था तो बड़े बहुत, लेकिन अब फिर से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा है। तो अब हम लोग बहुत वेरी पुअर वाली कैटेगरी में फिर से दिल्ली का की हवा आ गई है, तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है कि पॉल्यूशन पे भी खबर है कि अब ठंड भी बढ़ेगी इसी हाँ, के साथ वैसे भी आज सीजन का मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि कोहरा भी हाँ। और लखनऊ में साथी हैं हमारे, वो सब बता रहे हैं कि वहाँ तो बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, बिल्कुल, और जिसे हम लोग गलन बोलते हैं कि गलन बढ़ रही है। हाँ हाँ, कोहरे का आप अपनी रजाई वगैरह निकाल लीजिए। हाँ, कोहरा बहुत ज़्यादा आज हो रहा है। ये फिल्मी फेयर में आज है, शाहरुख से तुलना पर ट्रोल्स के निशाने पर आए कार्तिक। तो ये फिल्म पठान को लेकर जो कार्तिक आर्यन की, ये भी हाल में फिल्म आई थी फ्रेडी, और कार्तिक आर्यन ने उस फिल्म के बारे में बात करते हुए एक जगह कहा था कि कुछ लोग मेरे किरदार की तुलना डर के शाहरुख खान से कर रहे हैं। कार्तिक ने चूंकि ये बात खुद बोल दी तो ट्रोल्स कहने लगे कि यार बस भी करो, खुद ही क्या बोल रहे हो, तो इसलिए ट्रोल होने लगे कार्तिक आर्यन। आजकल तो हर कोई ट्रोल हो जाता है, जैसा कि, और शाहरुख खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर तमाम बयान भी दिए थे, तो ट्रोलिंग लगातार सोशल मीडिया पे चल ही रही है, उसके शिकार कार्तिक आर्यन हुए हैं। सातवें पन्ने पे चीन को इनाम दे रहा है केंद्र, केजरीवाल जी कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सबको पता है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, अध्यक्ष कह लीजिए, तो उन्होंने अपील की है पूरे देशवासियों से कि भाई चीन केंद्र के भरोसे मत रहो, ये कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो कह रहा है कि चीन को इनाम दे रहा है केंद्र। और नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि हर आदमी क्या कहते हैं उसको, चीन के सामानों का बहिष्कार करें। तो ये 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के चुके जमीन तैयार कर, हाँ, तो बीजेपी से लड़ना है इनको, और तो बीजेपी के पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। एक केजरीवाल का कल और बयान एक बड़ा रोचक था। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें वो कह रहे थे कि ये साल हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा, हम लोग पंजाब में जीते, MCD में जीते, गोवा में अच्छा परफॉर्म करा, गुजरात में अच्छा परफॉर्म करा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में हमारा जो परफॉर्मेंस था वो ऐसा था जैसे कोई बैल से दूध निकाल लाए, हम वहाँ पे 13% वोट ले आए। तो मुझसे किसी ने कहा कि केजरीवाल जी आपने तो गुजरात में ऐसा परफॉर्म कर दिया जैसे बैल से दूध निकाल रहा हूँ। तो ये कल बड़ा चर्चित बयान था अरविंद केजरीवाल का। हाँ, इन दोनों कुछ खबरें हमारे यहाँ बनी हुई हैं कि बकरा जो है दूध देता है, तो उस तरह से उन्होंने बैल से दूध निकाल लिया है, अच्छी बात है। अच्छा, विचार पन्ने पर, हमारे संपादकीय पन्ने पर, कोबार्ट गांधी की किताब पर क्यों हो रहा बवाल। वो महाराष्ट्र में कोबार्ट गांधी की किताब का मराठी में था, उसका अनुवाद किया गया, फ्रैक्चर्ड फ्रीडम। हाँ, तो उसको पहले पुरस्कार के लिए चुना गया, फिर वापस ले लिया गया। तो उस पर विश्वनाथ सचदेव जी जो हैं उनका लेख है, जिनको भी साहित्य में रुचि है, इन सब विषयों में रुचि है, उनको पढ़ना चाहिए। एक, ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट क्यों है 4 साल का कोर्स, ये इस पर डिटेल एकदम बिंदुवार जानकारियाँ दी गई हैं, भूपेंद्र ने लिखी हैं, तो इसको भी जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आए। संपादकीय में कारोबारियों को राहत, तो GST काउंसिल की बैठक हुई थी 48वीं, उसमें क्या फैसले हुए उसको लेकर है। अच्छा, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं संदीप, ये चुनावी तजर्बे पक्ष की बड़ी चाल, और जॉन हॉपकिंस को फेलो नहीं नीलिमा, ये दो बीते हफ्ते आम आदमी पार्टी में पर्दे के पीछे से काम करने वाले संदीप पाठक को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पद दिया गया, जो पार्टी में उनके बढ़ते रुतबे का सबूत माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में एक नए चेहरे कोटा नीलिमा को संगठन में, मतलब पढ़े लिखे युवाओं को थोड़े
राजनीति से जोड़ा जा रहा है उसको लेकर दो लोग, दो नाम जो हैं संदीप पाठक और नीलमा, कोटा नीलमा, इनके बारे में जानकारी है। फिर बिहार में शराबबंदी का लगातार बड़ा उसका बना, उसका मुद्दा बन रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि शरण वाले मामले में मौत के मामले जो केस हैं वो संख्या वो 100 से ज़्यादा हो चुका है। तो और नीतीश कुमार के बयानों ने इस मामले को और ज़्यादा, हाँ थोड़ा सा संवेदनहीन बयान है, एक मुख्यमंत्री हैं आप ऐसे नहीं कर सकते, बहुत अच्छा तर्क दिया है किसी ने, कहा है कि भाई जो जिसने अपराध किया वो तो मर गया, आप उसको दंडित क्यों कर रहे हैं जो उस पर निर्भर था, जो परिजन तो किसी ने अपराध नहीं किया ना। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं देंगे कि शराब पिया तो मर गया, तो शराब पिया तो वो मरने वाला तो मर गया, जो अपराधी था, जो आपकी नज़र में दोषी है, जो अपराधी है या जो भी है आपकी नज़र में, वो तो बचा नहीं, तो वो क्यों भुगते जिसका कोई दोष नहीं। बिल्कुल, और सरकार को इस तरह की बयानबाजियों से तो बचना ही चाहिए, उनकी कार्यशैली पे डिबेट। दूसरी चीज़ ये भी है अभिषेक कि शराबबंदी, अगर कोई शराब पी रहा है शराबबंदी होते हुए, तो क्या ये शासन प्रशासन का फेल्योर नहीं है? बिल्कुल, क्या ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मतलब खुद को आंकने की जरूरत नहीं है कि आखिर हम कहाँ फैल रहे हैं? तो ये आप नहीं कह सकते कि कोई शराबबंदी के बाद पी रहा है तो वो गलत ही पिएगा और जो पिए गलत पिएगा वो मरेगा। ये बहुत ही संवेदनहीन बयान है एक मुख्यमंत्री के तौर पे, और इसी कारण से ये चर्चा बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों बनारस में, काशी में, वाराणसी में, आप जिस भी नाम से पुकारना चाहें, वहाँ पर काशी तमिल संगमम नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करा था। जब ये कार्यक्रम आयोजित हुआ तभी ये बातें आने लगी थी कि इसके ज़रिए जो तमिल ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण हैं, हमेशा अंग्रेजी दा बनाने चक्कर में शब्द लड़खड़ा जाते हैं, जो तमिल ब्राह्मण हैं उनको साधने की कोशिश है। और अब यही बात हमारे आज के अखबार में भी है कि काशी तमिल संगमम से कितना सद पाएगा तमिलनाडु। थोड़ा सा जिनको राजनीति में रुचि है, तो तमिलनाडु में बीजेपी बहुत जोर लगा रही है, उसके जो नए अध्यक्ष हैं वो पूर्व IPS हैं, तो वह भी बहुत ही करिश्माई नेता हैं वो, तो उसके बारे में अगर इसको, अगर तमिलनाडु की राजनीति में अभी क्या चल रहा है, बीजेपी कैसे जोर लगा रही है, तो पूनम पांडे हमारी अच्छी रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो बहुत बिंदुवार जानकारी दी है उन पढ़ना चाहिए। शिवपाल के साथ आने से समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी, मोहम्मद नदीम ने, ये भी शानदार रिपोर्टर हैं अपने नवभारत टाइम्स के, तो उनका विश्लेषण है। ये राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इनको पढ़ना चाहिए। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए प्रदर्शन, ये खेल के पन्ने पे आप देख सकते हैं आज सिर्फ अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के फुटबॉल को मिला नया मेसिया, मेसिया को मेसी से मेसिया बनाया गया है। और ये वो रेयर डेज हैं जब एक क्रिकेट मैच भी कल पूरा हुआ है, लेकिन क्रिकेट मैच की खबरें नहीं, जब नीचे आ गई हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कल भारत ने बांग्लादेश को हराया टेस्ट में, लेकिन वो खबर दब गई अर्जेंटीना की जीत के आगे। हाँ, तो यही मुझे यही लग रहा है कि क्रिकेट को लेकर भारत में बहुत जुनून है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फुटबॉल के प्रति भी रुझान बढ़ रहा है। बिल्कुल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, मैं तो उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सरकारों को, प्राइवेट कंपनियों को, जो भी सहायता, जो भी फुटबॉल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, जैसे भी हो सकता है वो हो, क्योंकि फुटबॉल के प्रेमी हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल, और वास्तव में फुटबॉल में अगर हम अच्छा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। देश में बना शक्तिशाली युद्धपोत INS मोरमुगाव नौसेना में शामिल हुआ है, ये तो कल की बड़ी खबर थी, रक्षा मंत्री वहाँ गए थे। तो चीन की से जो चुनौतियां मिल रही हैं उसके लिहाज से ये अहम खबर, एक अहम। अच्छा, शूटिंग करना चाहती हैं, एक इमरजेंसी फिल्म शायद बना रही हैं, तो कंगना चाहती हैं कि संसद भवन में, संसद परिसर में, हाँ, तो उस उनकी अनुमति दे, तो उन्होंने अनुमति मांगी है। अच्छा, ऑस्कर विजेता ईरानी अभिनेत्री अरेस्ट हुई हैं, वो बहुत ही मशहूर हैं, और उन्होंने जो हिजाब विवाद में उन्होंने अपनी राय रखी है, स्टैंड लिया है, तो उनको अरेस्ट कर